फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में जो मेरा ये सोक्रेटिस लेसन का जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने इसका फर्स्ट पार्ट तक कवर कर दिया था, फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर दिया था, जो कि यहाँ तक था एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ। तो यहाँ तक ये टेक्स्ट कवर हो गया था और आज हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तो ये है, बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन यद्यपि बहुत सारे लोग उस बूढ़े व्यक्ति को पसंद करते थे एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धि से, उसकी जो उसकी विजडम से बहुत अधिक प्रसन्न होते थे, उसके साथ में रहकर खुश होते थे। देयर वर सम, कुछ लोग ऐसे भी थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो कि उससे सहमत नहीं थे, उसकी बातों को पसंद नहीं करते थे। ही टॉट, उसने सिखाया, दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट वेरी मच। ही टॉट, उसने सिखाया दैट मैंस ओन माइंड, कि व्यक्ति का स्वयं का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, वह उसके चरित्र को प्रभावित करता है मोर देन द गॉड्स, यानी ईश्वर की अपेक्षा, भगवान की अपेक्षा उसका जो स्वयं का मस्तिष्क है वो उसके चरित्र को अधिक प्रभावित करता है। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड विग्ड आइडिया, ये बात कुछ लोगों को कैसी लगी, अ न्यू, एक नए तरीके की, एंड विग्ड यानी दुष्टतापूर्ण विचार लगा। सुकरात का यह विचार कुछ लोगों को दुष्टतापूर्ण लगा। ही सेड, उसने कहा दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, कि कुछ देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, कि कुछ उच्च यानी ऊंचे एंड नोबलर डीड्स और उचित अच्छे कार्य ऐसे हैं then making sacrifices to Athens and the other gods of Greece, कि Athens और जो ग्रीस देश के, ग्रीक देश के अन्य जो देवता हैं उनको जो हम बलिदान अर्पित करते हैं, जो sacrifice उनके लिए करते हैं, तो उनकी अपेक्षा कुछ ऐसे अन्य उच्च और उचित कार्य, अच्छे कार्य भी हैं। and many people thought, और बहुत से लोग सोचते थे, that he was leading the young astray, कि वह युवा लोगों को या युवा वर्ग को पथभ्रष्ट कर रहा है या गलत रास्ते पर ले जा रहा है। क्वेश्चनिंग, वह उनसे प्रश्न पूछते थे, all that they had been taught to believe, जो कुछ भी उन लोगों से विश्वास करने के लिए कहा जाता था उनके बारे में वह प्रश्न पूछता था, एंड फिलिंग दियर माइंड्स विद डाउट, और उनके दिमाग को संदेहों से या डाउट से भर रहा था। ऐसा कुछ लोगों का विचार था, जो लोग उसके विचारों को पसंद नहीं करते थे। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, वे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, समन्ड सोक्रेटिस, उन्होंने सुकरात को बुलाया, टू अपियर बिफोर देम, कि वह उनके सामने उपस्थित हो, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और वह अपने मुकदमे की पैरवी करे। His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. उसके मित्रों ने, यानी सुकरात के मित्रों ने begged him, उससे प्रार्थना की, to escape, कि वह बचकर निकल जाए, और to hide, अथवा वह छिप जाए, until, जब तक कि the storm had blown over, जब तक कि यह तूफान समाप्त नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, तब तक वह या तो कहीं पर चला जाए यहां से दूर, या वह कहीं छिप जाए। बट सोक्रेटिस वाज नो कवर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था, डरपोक नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, कि उसने जो है केवल वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड, जिसके बारे में उसे विश्वास था, टू बी जस्ट,
कि वह न्याय से युक्त है, ट्रू यानी सच्चाई से युक्त है, एंड ऑनरेबल और सम्माननीय है यानी सम्मान के योग्य है। तो केवल उसने ऐसी बातों को ही, अच्छी बातों को ही लोगों को सिखाया है, ऐसा उसे पूर्ण विश्वास था। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वह यही सोचकर कोर्ट में, न्यायालय में चला गया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन्ड। ट्रेवल स्टेन्ड कहते हैं रास्ते के जो धूल के जो चिन्ह हैं, जो उसके लिए आया है ट्रेवल स्टेन्ड। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर, उसके कपड़े और शूज यानी जूते कैसे थे, मिट्टी से युक्त थे। वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन्ड, और उस पर यात्रा के चिन्ह अंकित थे, यानी कि उस पर जगह जगह धूल मिट्टी लगी हुई थी। बट एवरी वन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शेवी गारमेंट्स। शेवी गारमेंट्स कहते हैं गंदे कपड़ों के लिए। तो लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि अ नोबल हार्ट बीट, कि एक अच्छा और उचित हृदय, अच्छे विचारों से युक्त हृदय धड़कता है अंडर द शेवी गारमेंट्स, उन गंदे कपड़ों के नीचे। एक अच्छा, अच्छे विचारों से युक्त हृदय वाला व्यक्ति है, अच्छा हृदय उन कपड़ों के नीचे धड़कता है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली और डिग्निफाइड यानी गौरवपूर्ण या शानदार स्पीच या भाषण दिया वहां पर कोर्ट में। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस के निवासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अगर वो उसके जीवन के बचे हुए अंतिम जो कुछ एक वर्ष बचे हैं, उन वर्षों को अगर वो ले भी लेते हैं तो इससे उन्हें कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं है। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, बल्कि उसने ये भी बताया कि ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट, कि वह ऐसी अनेकों मौत मरने के लिए तैयार है। फॉर वॉट, उस बात के लिए, ही बिलीव टू बी राइट, जिस बात को वह ठीक समझता है, लोगों को बताना ठीक समझता है, तो ऐसी बात के लिए वो ऐसी अनेकों मौत मरने के लिए तैयार है। द जजेस लिसन टू हिम, जजेस यानी वहां के जो न्यायाधीश थे, उन्होंने उसकी बात को सुना। क्वेश्चन्ड हिम, उससे प्रश्न किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसको मौत की सजा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े व्यक्ति ने इसकी कोई भी शिकायत नहीं किया, कोई भी शिकायत नहीं की, कोई प्रतिरोध नहीं किया। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुका हुआ खड़ा रहा, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम में अपने चारों ओर जो भीड़ थी, उस भीड़ को वह निहारता रहा, उस भीड़ को देखता हुआ अपनी छड़ी पर झुका हुआ खड़ा रहा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उसके जो अन्य शिष्य थे सुकरात के, वो पूरे समय भर उस कोर्ट में उपस्थित रहे। नो ईविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, अपने शिष्यों से कहा, इधर इन लाइफ, या तो जीवन में, और आफ्टर डेथ, या मृत्यु के बाद, यानी कि ना तो जीवन में, जीवन भर, और ना ही मृत्यु के बाद, एक अच्छे व्यक्ति के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए तुम सब लोग खुश रहो, प्रसन्नचित रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ चुका है। एंड वी गो अवर वेज, और हम अपने अपने रास्तों को जाते हैं। आई टू डाई, मैं मरने के लिए जाता हूँ, एंड यू टू लिव, और तुम लोग जीवन जियो, जीने के लिए जाओ। Then the soldiers came, और इसके बाद वहां पर सिपाही आए, and took him away to prison, और उसको prison यानी जेल में ले गए। His wife followed with his three children, उसकी पत्नी भी अपने तीन बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे आई। Many of his favorite
pupils were also with him. उसके कुछ प्रिय शिष्य जो थे वो भी उसके साथ उस समय थे. For a long time, एक लंबे समय तक, they talked to him, उन लोगों ने उससे बातचीत की, उससे बात की. And he taught them many wise lessons. और उसने यानी सुकरात ने उन शिष्यों को बहुत ही बुद्धिमानी से पूर्ण, बुद्धिमानी से युक्त सबक या लेसन सिखाए, विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जिसे उन लोगों ने अपने हृदयों में, अपने हृदय में संचित कर लिया, जमा कर लिया. बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय भर, हिज फ्रेंड्स न्यू, बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय भर, हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके मित्र जानते थे, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात अब शीघ्र ही मर जाएगा. दे वर सैड, वे दुखी थे, फॉर, क्योंकि, एस प्लेटो रोट, जैसा कि प्लेटो ने लिखा था, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम वी वर बींग ब्रेव्ड, कि वह यानी सुकरात उन लोगों के पिता के समान था, वी वर बींग ब्रेव्ड, जिनसे यानी जिस व्यक्ति से, जिस पिता से हम लोग वंचित किए जा रहे थे, हम लोगों से पिता को जो छीना जा रहा था, तो वह इस तरह से एक पिता के समान था. एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ एज ऑर्फेंस, ऑर्फेंस कहते हैं अनाथ के लिए, और हम लोगों को अपने अपना जो शेष जीवन है वो अनाथों की तरह से व्यतीत करना पड़ेगा. आफ्टर द सन हैड सेट, जब सूर्य अस्त हो गया, बिहाइंड द ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स यानी पेड़ों की चोटियों के पीछे, जब सूर्य अस्त हो गया, द जेलर केम इन, तो जेलर आया, एंड आस्ट सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और उसने सोक्रेटिस से कहा कि वह मृत्यु के लिए तैयार रहे. इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मौत की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उनको जहर का एक प्याला दिया जाता था. सोक्रेटिस न्यू दिस, सोक्रेटिस इस बात को जानता था. एंड ही नॉडेड टू द जेलर, नॉडेड यानी उसने सिर झुका दिया या सहमति प्रदान कर दी, टू द जेलर, जेलर के सामने अपनी सहमति प्रदान कर दी कि वह मृत्यु के लिए तैयार है. हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो कि यानी वह जो जेलर था, हु लुक्ड एट हिम, जो कि उसकी तरफ देख रहा था, सुकरात की तरफ देख रहा था, सैडली सेइंग, उसने दुखी होकर कहा, यू, तुम सोक्रेटिस, होम आई न्यू टू बी द नोबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट, तुम जिसको कि मैं एक नोबलेस्ट यानी सबसे अच्छे एंड जेंटलेस्ट और सबसे अधिक सज्जन व्यक्ति के रूप में जानता हूँ, एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और तुम उन सब लोगों से श्रेष्ठ हो, उन सब लोगों से अच्छे हो, हू एवर केम टू दिस प्लेस, जो कोई लोग भी, जितने लोग भी यहाँ पर इस स्थान पर जेल में आए हैं, तुम उन सभी से अच्छे और सज्जन व्यक्ति हो. विल नॉट बी एंग्री विद मी, तो तुम मुझसे क्रोधित नहीं होगे या मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे. व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुमसे जहर पीने के लिए कहूंगा. फॉर अदर्स, क्योंकि इस कार्य के लिए अन्य लोग जिम्मेदार हैं, एंड नॉट आई, आर द गिल्टी कॉज, क्योंकि इस कार्य के लिए यानी तुम्हें जहर देने के लिए अन्य लोग जिम्मेदार हैं, ना कि मैं. बस्टिंग इंटू टीयर्स, फूट फूट कर रोते हुए, ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, यानी जेलर बाहर चला गया, एंड रिटर्न्ड विद अ कप ऑफ पॉइजन, और जब वो लौटा तो उसके हाथ में जहर का एक प्याला था. मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, ईश्वर इस संसार से दूसरे संसार में, मेरे दूसरे संसार को जो मेरी ये यात्रा है, उस यात्रा को सफल करें. सेड सोक्रेटिस, सुकरात ने केवल इतना ही कहा. एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उसने वह जो जहर का प्याला था उसको उठाकर होंठों से लगा लिया. हिज पीपल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके जो शिष्य थे वहां पर उपस्थित, उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की. बट वन सॉफ्ट अलाउड, लेकिन उनमें से एक शिष्य सॉफ्ट अलाउड यानी जोर जोर से सुबकने लगा, रोने लगा.
एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और इस बात ने अन्य लोगों को, अन्य शिष्यों को भी व्याकुल या परेशान कर दिया। एंड सून, और जल्दी ही द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ बीपिंग, जल्दी ही वह कमरा रोने की आवाजों से भर गया। सोक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात रुका, इस शोर को सुनकर सुकरात रुका, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, और उसके हाथों में जहर का प्याला था जो कि अभी तक फिनिश नहीं हुआ था, यानी उस प्याले को उसने नहीं पी पाया था। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, ये किस तरह का अजीब सा शोर है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, कि किसी भी व्यक्ति को शांति से मरने देना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें नहीं रोना है, बी साइलेंट एंड हैव पेशेंस, शांत रहो और धैर्य धारण करो। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, रिमेम्बरिंग समथिंग, और इस तरह से देख रहा था वो चारों ओर जैसे कि कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज प्यूपिल्स, वे अपने जो उसके शिष्य थे उनमें से एक के कान में फुसफुसाकर उसने धीमे से कहा, क्रीटो, कैन यू डू मी अ फेवर, कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आई ओ अ कॉक टू एस्कुलेपियस, एस्कुलेपियस देवता को मुझे एक मुर्गा भेंट करना है, विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम ये कर्जा उतार दोगे। इट शैल बी पेड, ये अदा कर दिया जाएगा या ये काम कर दिया जाएगा, सेट क्रीटो, क्रीटो ने कहा। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और भी है, कोई और काम भी है। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, क्रीटो ने इंतजार किया, बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन उसको कोई भी उत्तर नहीं मिला। फॉर, क्योंकि सोक्रेटिस, सुकरात जो था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, जो कि सब यूनानियों में सबसे अधिक महान था, ग्रीक्स में सबसे अधिक महान था, वाज डेड, वो मर चुका था। तो इस तरह से सुकरात की मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये आज का जो सेकंड पार्ट था उसका टेक्स्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, और अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं पहले ओरली बता देता हूँ। अप्रूव मीन्स है स्वीकार करना, इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित करता था, डीड्स कार्य, लीडिंग एस्ट्रे यानी पथभ्रष्ट करना, गलत रास्ते पर ले जाना, वह गवर्निंग शासन कर रहे थे, समन बुलाया या न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया, कवर्ड कायर, स्टेंड गंदे, डिग्निफाइड कहते हैं गौरवपूर्ण या शानदार, बहुत अच्छा, विलिंग इच्छुक, कंडेम्ड दंड दिया या सजा दी, ऑर्फेंस अनाथ, नॉडेड सिर हिलाकर हाँ करना, सिर झुकाना, बस्टिंग इनटू टीयर्स फूट फूट कर रोना, सॉब्ड यानी सिसकियां भरना, पॉज्ड रुका, पेशेंस धैर्य, विस्पर्ड धीरे से कहा, ओ यानी ऋणी होना। तो स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे, अब मैं इनको बोर्ड पर लिखकर दिखा देता हूँ। वेल स्टूडेंट्स, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने अभी टेक्स्ट पढ़ाया था आपको, इसका सेकंड पार्ट सोक्रेटिस का, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, अप्रूव यानी स्वीकार करना, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित करता था, डीड्स कार्य, लीडिंग एस्ट्रे यानी पथभ्रष्ट करना, गलत रास्ते पर ले जाना, वर्क गवर्निंग यानी शासन कर रहे थे, समन बुलाया या न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया, कवर्ड कायर, स्टेंड यानी गंदे, डिग्निफाइड गौरवपूर्ण या शानदार, विलिंग इच्छुक होना, कंडेम दंड देना या सजा देना, और ऑर्फन्स यानी अनाथ, नॉडेड सहमति देना, स्वीकार करना, बस्टिंग इनटू टीयर्स फूट फूट कर रोना, सॉब्ड यानी सिसकी भरना, धीमे धीमे रोना, पॉज्ड रुका, पेशेंस यानी धैर्य, और विस्पर्ड धीरे से कहा, ओ यानी ऋणी होना या कर्जदार होना।
तो स्टूडेंट्स, ये सोक्रेटिस जो पूरा लेसन था वो आज कंप्लीट हो गया इस सेकंड पार्ट में, और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैंने आपको पहले ओरली भी बता दिए और आप बोर्ड पर भी लिख के दिखा दिया, समझा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से टेक्स्ट पूरा समझ में आ गया होगा, लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखना ना भूलें, पहले उसको देख लें शुरू से आखिर तक और फिर इसको देख लें, और अगर समझ में ना आए तो इसको बार बार रिपीट करके देख लें। और अगर इस वीडियो में या इससे पहले के वीडियो में कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी इसका कुछ बेनिफिट मिल सके। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।